लार्जेस्ट वारली पेंटिंग जो है, जिसका रिकॉर्ड पहले पूना में था, उसको पूना के रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए, उसको चैलेंज करते हुए आज हम सब लड़कियाँ, वी आर 120 लेडीज योर वर्किंग फॉर दिस वारली पेंटिंग टूडे, एंड वी आर ऑलमोस्ट प्राउड कि हम लोग को पता नहीं था कहाँ कहाँ से विथ डिफरेंट फील्ड सब लोग यहाँ आए हैं। मेरा भी अभी जॉब चल रहा है, पर मेरी फ्रेंड जो आर्टिस्ट है प्रोफेशनल, उसके थ्रू मैं सीखी हूँ और मुझे इंटरेस्ट नहीं था ऐसे सब चीज़ों में, पर उसके साथ जा जा के प्लेसेस पे मैंने थोड़ी पेंटिंग सीखी है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर आई। मैंने अभी मतलब इसी साल तो ये G20 का आया है, इसके पहले मैंने वॉल पेंटिंग का काम किया है, लेकिन वो भुसावल में चंद्रपुर में भी हमारी आर्ट स्कूल में हमने काम किया है। अभी ये G20 का जब ये आया तो हम आए, अभी एक महीना होते आया हुआ है और ये काम हमें बहुत अच्छे से मन से करने को मिल रहा है और हमको एक नया प्लेटफॉर्म मिला है जो हम अपनी कला को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसे वारली पेंटिंग कहते हैं, ये अपने महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल पेंटिंग है जो पालघर से ओरिजिनेटेड है, और हम जो पेंट कर रहे हैं वो वॉल 456 फीट लॉन्ग है और 3200 स्क्वायर फीट सरफेस एरिया है। इसके पीछे एक ही मोटो है कि ये W20 आया है, तो कहीं ना कहीं हम पूरे फीमेल्स वुमेन्स मिलकर कर रहे हैं, तो हमें इससे एक वुमेन एम्पावरमेंट दिखाने का मौका मिल रहा है और नारी शक्ति शोकेस करने का मौका मिल रहा है, और इससे एक ही है कि हमें वी आर कैपेबल ऑफ एवरीथिंग, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो दैट्स द मोटो भी है। इसके पीछे की जो G20 है औरंगाबाद में, एक जो प्रोग्राम परिषद के अनुसंग हो रही है और उनके जो गेस्ट आ रहे हैं, और उसके बाद W20 और कॉरपोरेशन के अंतर्गत ये जो प्रोग्राम हो रहा है, तो ये सब महिलाओं के लिए और ये पूरे देश के लिए बहुत भाग्य की बात है कि पूरे जितने भी लोग हैं कि यहाँ पर आर्टिस्ट बाहर बाहर से आके काम कर रहे हैं, और ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो लड़कियों का जो 120 लड़कियाँ जो है, तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए काम कर रही है। सबसे बड़ी बात ये कि वुमेंस पावर आज दीवार पे दिख रही है, बड़े बड़े फ्लाईओवर पर लड़कियाँ काम कर रही है, हम बोलते हैं कि इको सेम होना चाहिए, तो उस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है। और जो लड़कियाँ काम कर रही है तो वो बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है, जो दीवार पर बड़े बड़े फ्लाईओवर पर काम कर रही है, सीढ़ियों पर चढ़ रही है, तो उनको एक स्टेज मिलना चाहिए सबसे पहले। अभी तक क्या होता कि दीवार पर लड़के काम करते थे या पेंटर्स काम करते थे, लड़कियाँ भी हम कहीं पीछे नहीं है, और इस तरीके से ये प्रोग्राम रखा गया है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए ये जो लड़कियाँ आई है 120, तो ये बहुत जी जान लगा के ये इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए ये काम कर रही है, और जो लड़कियाँ है 120 लड़कियाँ, तो ये बेहतरीन काम कर रही है हमारी।